माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी समेत 5 बदमाशों पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी समेत 5 सदस्यों के ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। इसके साथ ही आजमगढ़, मऊ, बलिया के भी फरार 10 बदमाशों पर इनाम घोषित किया गया है। कुल 15 फरार अभियुक्तों पर DIG ने इनाम घोषित किया है। 28 मार्च 2024 की मुख्तार अंसारी की मौत के पहले से ही उसका अता पता नहीं है। उत्तर प्रदेश के वांटेड डॉन की ताकतवर पत्नियों में अफशा अंसारी का नाम टॉप लिस्ट में है। तो माफिया अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है। विधानसभा में पेश की गई न्यायिक आयोग की जांच रिपोर्ट ने पुलिस के इस मामले में उन्हें बेदाग बताया है। साथ ही कहा है कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पूर्व नियोजित नहीं थी। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस के लिए इस वारदात को टालना संभव नहीं था। पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही बरती नहीं गई है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज के कॉल्वेन अस्पताल में हुई थी। जांच के दौरान 87 गवाहों के बयान, CCTV और वीडियो फुटेज की समीक्षा के बाद ये रिपोर्ट पेश की गई है।